पर ब्रोकरेजेस की नजर कहां कंचन अब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। कंचन जी गुड मॉर्निंग क्या क्या रडार पे गुड मॉर्निंग सबसे पहले एच की अगर हम कल्याण ज्वेलर्स पर राय देखें तो शेयर 610 से बढ़ा के आठ का टारगेट कर दिया है दो साल में अगर हम इसका वैल्यूएशन देखें तो शेयर करीबन आठ गुना बढ़ा है और अभी भी हेड स्पेस कहीं ना कहीं बाकी है साथ में कम कैपिटल से कंपनी का जो एक्सपेंशन हो रहा है वो काफ़ी अच्छी ट्रैक पर है साथ में ग्रोथ को देखते हुए जो डी रेटिंग है उसका रिस्क कहीं ना कहीं कम लग रहा है और टाइटन की सफलता को देखते हुए इनको कहीं ना कहीं एक अच्छी गाइडेंस भी आने वाले टाइम पर दिखाई दे रही है तो ये थी एच की राय कल्याण ज्वेलर्स पे अगर हम एच की राय देखें ओला इलेक्ट्रिक पे तो यहाँ पे भी खरीदारी की राय दे दी है और टारगेट जो है वो कर दिया है 140 का लेकिन तीन चार कंसर्निंग फैक्टर्स है जो यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं बाजार में जो इनका मार्केट शेयर है वो कम होने से थोड़ा सा एक रिस्क बना हुआ है साथ ही साथ इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके जो सस्ते वेरियंट्स निकले हैं उनसे भी इनको अच्छी खासी टक्कर देखने को मिल रही है अगर मौजूदा ट्रेंड कायम रहा तो आ, आने वाले टाइम पर हो सकता है कि हमें कमी देखने को मिले और फिजिकल ईयर पच्चीस से लेकर छब्बीस तक हमें 15 से 20 परसेंट तक वॉल्यूम सेल्स में कटौती देखती, देखने को मिल सकती है कल्याण ज्वेलर्स एच एस बी सी आठ सौ दस के टारगेट के साथ आ गया सुबह देख रहे थे छे सौ साढ़े छह सौ खड़ा और अभी भी देखिए तो फटे ही चले जा रहा है और इस तरह की रिपोर्ट में जहां बाकी प्रोमोटर्स माल छोड़ रहे हां ये खरीदने, खरीदने की खरीदने। बात कर रहे थे तो मतलब वो कितना बड़ा कॉन्फिडेंस आपको हाँ। दिखा रहा है कल्याण ज्वेलर्स का चार्ट रचना जी आप बताओ कैसा लगता है आपको ब्रोकरेज तो कहती है और तेजी आ सकती है फंडामेंटली टेक्निकली भी कुछ साउंड है कि नहीं ऐसा नहीं टेक्निकली डेफिनेटली साउंड है यहाँ पे और अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से बात करें तो भी यहां पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है जो अभी 655 के करीब है प्राइस यहां पे

साहब साथ, आज एडजस्टमेंट प्ले आउट होगा लेकिन वरुण बेवरेजेस भी एक बड़ा वेल्थ क्रिएटर है कल तक की जो क्लोजिंग थी तब तक चार्ट्स के समीकरण बैठ कैसे रहे वैसे बता दूं आज रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट है स्टॉक स्प्लिट की पांच रुपए की फेस वैल्यू आज टूट के दो रुपए हो जाएगी वो एडजस्टमेंट स्क्रीन पर नजर आएगा आपको समीकरण कैसे बैठ रहे थे अब तक अच्छा जी देखिए अगर आप कल के हिसाब से देखें तो चार्ट तो अच्छा था क्योंकि इनफैक्ट कल आप देखें यहाँ पे एक जबरदस्त मुंह था

भाईती साहब पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस मोगन स्टैंडली रिपोर्ट ओवरवेट का लक्ष्य आज सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो रब ऑफ के तौर पर शायद रहेंगी कैनफिन तो अपना ट्रेड भी था एक किसी का 1500 लक्ष्य कर दिया 1025 से बढ़ाकर पीएनबी हाउसिंग का मोगन स्टैंडली ने आपको चार्ट पे कैसा लग रहा है जी अशी जी चार्ट सेटअप काफी अच्छा बना हुआ है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का और जिस हिसाब से इसमें हाई राइस के पैटर्न बन रहे हैं स्टॉक कंटिन्यूसली बॉलिजर बैंड के अपर बैंड को ब्रीच करते हुए देखने मिल रहा है रहा है वेल प्लेस्ड बारह सौ तक का मूव दिखाने का सौ रुपए का मूव यहाँ से मार्टिसिपेट कर रहे हैं जो लॉस में लगाना है वो वन जीरो सिक्स जीरो हजार साठ का एक ऐसे लगा और बारह सौ तक के टारगेट के लिस्ट में बने रहे ओके पीएनबी हाउसिंग में ब्लॉक हो गई हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक काम करें मुनाफे की तैयारी समेटते हैं क्विकली छोटा सा ब्रेक ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज गुरुवार का पहला सॉप